जी जी मुझे 40 दिन हो गए सर। 40 दिन हो गए, सरकार तो अभी मानती हुई दिख नहीं रही है। और आठवें दौर की बात जो है 8 तारीख को जो है मीटिंग दोबारा रखी है, क्या नतीजा निकलेगा और अब तक क्या नतीजा निकला सर? सरकार क्या सोचना है, मिट्टी गोली देवा है। सरकार ने पिछले दौर की मीटिंग में क्या किया, हमसे दो कानून वापस ले लिए। वो सोचा थी सरकार किसान वापस चले जाए सारे बॉर्डर पर सरकार हम तो अपना हक मांगना है। MSP आज तक भी कोई सी सरकार ने लीगल नहीं घोषित की गई, हमारा 45 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा, हम तो अपना हक मांगने तो आ रहे। सरकार कॉरपोरेट घराने को बढ़ावा देना चाह रही, FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया उसको दिवाली घोषित होगी। मनमोहन की सरकार में सर 9000 करोड़ का कर्ज था FCI पे, आज 3.5 लाख करोड़ कर्ज है। सरकार क्यों नहीं कानून बनाना चाहती? इसलिए नहीं बनाना चाहती क्योंकि वह पहले ही दिवाली घोषित हो रही। कॉरपोरेट घरानों को बढ़ावा देना चाह रही। बाबा रामदेव है उसका नाम तो होगा, लाला रामदेव, उसने क्या काम करा? हमारा टैक्स छुपाने के लिए ट्रस्ट बना दिया। अरे बाबा जी आपने ट्रस्ट क्यों बना? आपने इस किसान के उसमें हक देना चाहिए। और आपसे एक और निवेदन है, आप योग करो, आप अपनी एक तो ठीक नहीं हुई बाबा रामदेव जी। और एक और रिक्वेस्ट है हमारा, जो किसान है ना जी, सरकार ने देखो हमारे जो जवान है वे भी तो इसी धरती से है जी, सरकार उनको तो शहीद दिवस देना चाह रही। हमारे 62 किसान शहीद हो रहे, सरकार से कोई भी ठेस नहीं। कल वार्ता थी सरकार ने, हमारे तो किसान लंगर खा रहे और सरकार ने अशोक होटल पर होटल मंगवा कर खाना खाया। वो नहीं टैक्स नहीं आया वो देश का, किसान नहीं टैक्स देता, ये बताओ सर किसान। लेकिन सरकार तो कह रही है आइए हमारे साथ खाइए, लेकिन किसान अपना अपनी रोटी साथ लेके जा रहा। देखो हम इसलिए नहीं खाते, सरकार की नियत में खोट है ना, हम तो अपना खुद लेकर मतलब खाते नहीं है फिर भी सवाल उठाते नहीं तो, वो तो बुला रही भाई खाइए, वो भी तो देश का पैसा है ना, टैक्स उससे चला जाएगा। सरकार को सोचना समझने देखा, हमारे किसानों पर जितनी FIR हुई, सरकार आपसे एक संदेश है, हमारे किसानों पर जितनी FIR उसके मुकदमे वापस लिए जाए। और मीडिया भाइयों से एक और आपसे अभिनंदन करता हूं मैं, हमारी देखो जब हमारा संसद लाइव टेलीकास्ट चलता है, हमारे नेताओं की वार्ता होती है उसका भी तो लाइव टेलीकास्ट चलना चाहिए। जो मीटिंग होती है सरकार को इसका भी तो लाइव टेलीकास्ट दिखाना चाहिए जब संसद दिखाता है। और देखो जी इसमें बताऊं, कॉरपोरेट घरानों को इसलिए फायदा देना चाह रही सरकार अडानी अंबानी को एक चौकीदार है हमारे देश का, चौकीदार पहले तो ये बताओ अमीर का हो या गरीबों का हो, गरीबों को हो कि नहीं सर? जी चौकीदार गरीबों को है, अमीरों का वो कभी भी नहीं होने का। गुजरात मॉडल की बात सुन लो, गुजरात का पंजाब का एक मेरा दोस्त था सर, उन्हें गुजरात में 30 किले जमीन के लिए कच्छ में लेने के बाद में क्या होया, उन्हें SDM ते मिले और वहाँ के IS ते मिलने से बाद में उनकी जमीन की रजिस्ट्री हो जाए। रजिस्ट्री होने से बाद में क्या होया सर, जिस टाइम उनका नाम दाखिल खारिज कटा है, वो दाखिल खारिज नहीं कटा, उन लोगों ने वहाँ ट्रैक्टर वगैरह सब कुछ लिया, उन लोगों का पूरा नुकसान होगा। उस बंदे का ये कहना था अब मेरे माता पिता मेरी भाई बहन ने मेरे फोन करना भी बंद कर दिया। गुजरात मॉडल तो ऐसा है। और देख लो 2006 में APMC मंडी खत्म कर दी थी बिहार सरकार ने, आज बिहार का किसान पूरे देश में मजदूरी करने के लिए क्योंकि वहां मंडी नहीं है। सरकार हमारा हक छीनना चाह रही। और देखो जी कॉरपोरेट घरानों को इसलिए बढ़ावा जानकारी, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का दबाव है सरकार पर। देख लो आप ये बताओ अमेरिका में रूस में क्यों किसान खुशहाल है, क्योंकि वहाँ का जो घाटा हुआ है सरकार सब्सिडी से पूरा कर दे। हमारे देश के किसान को तो 15,614 रुपये सब्सिडी, अमेरिका का किसान को 42 लाख रुपये मिला है, चीन के 59,000, 8 लाख रुपये कनाडा के, जापान के 7 लाख रुपये। इसलिए सरकार पर दबाव है क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री बाहर जा रहा है। आप ये नु बताइयो, नाम तो मेरे देश का हो रहा प्रधानमंत्री जी, हमें खुशी है आप हमारे देश का नाम कर रहे, आप ये तो बता दिया, हम तो अपना हक मांगने आ रहे। और वो सरकार से एक और निवेदन है, सरकार क्यों नहीं कानून बनाना चाहती, क्योंकि MSP कभी कानून जामा न पै जाए। मैं गन्ना बहुल क्षेत्र से आता हूँ सर, हमारे गन्ने का आज तक भी पेमिट नहीं हुआ। और योगी आदित्यनाथ जी आपने पर्ची पर 00 रेट डाल रखा, आज तक भी गन्ने का पेमिट नहीं दुआ पाए। आप ये बताओ इस कानून में इतनी बड़ी कमी है, एक SDM तो एक सरकार से टक्कर ले लेगा। आप ये बताओ गन्ने का जो नियम है 14 दिन में पेमिट होना चाहिए, जब ये बताओ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मान दिया सरकार, एक SDM क्या कर लेगा? एक स्टॉक मार्केट का है सर, इसमें स्टॉक मार्केट में ऐसा है सर, आप ये बताओ किसान और मजदूर तो स्टॉक मार्केट नहीं करने के, बड़े बड़े कॉरपोरेट घराना करेंगे, कॉरपोरेट घराना अपने हिसाब से भाव तय करेंगे मंडी के। आप ये बताओ आलू और जो प्याज है 200 रुपये क्यों बिका, वो इसीलिए तो बिका जिस टाइम पे हमारा माल खरीद कर ले जाया करेंगे, वे मंदे भाव में लेंगे, उनके पास मंडी होगी, मंडी होने से बाद में क्या होगा, वे अमीरों को बेचेंगे, इसलिए डर है। और हमें इसमें एक हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, इसमें हमारी ज़मीन लीज कैसे होगी, इसका भी मैं एक उदाहरण दूंगा। आप तो किसान और मैं हूँ कंपनी, आपकी हमारी डीलिंग होगी आलू पर, होने के बाद में अगर मुझे फायदा दिखेगा तो मैं आपका खरीदूंगा, अगर नुकसान दिखेगा तो खरीदने का। दूसरी बात, या
जब हमारी डील होगी, डील होने तक मैं किसान सरकार पर लोन भी ले, लोन लेने तक मुझे नुकसान होगा, मैं छोड़कर भाग जाऊँगा, आपकी ज़मीन पर नोटिस आऊँगा। इसलिए डर है, इसलिए हम यहाँ 40 दिन हो लिए बैठे, कोई 100 कमेंट बैठे। और सरकार क्या पूछ रही, फंडिंग कहाँ तैयारी? अरे सरकार, बीजेपी वालों, मैं आपसे एक और पूछना चाहूँ, अजनाम कश्यप जी, आपने आज तक भी पूछा रैली वगैरह हुई कहाँ से खर्चा है? हमें तो नहीं पता, हम तो अपने गेहूँ मोटरसाइकिल बेच कर जब यहाँ पूरा अपना काम तमाम कर रहे। और ये लंगर के बारे में बोल रहे, गुरु नानक देव जी का 20 रुपये का लंगर स्टार्ट हुआ था, 550 साल हो रही है और चलता रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। और सरकार, आपसे एक और सोचना चाहूँगा, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, आपसे एक निवेदन है, उस टाइम पर जिस टाइम पर लॉकडाउन था, हमारे देश की बुरी स्थिति इस किसानी ने बचाई, कोई कॉरपोरेट घराने वगैरह ने नहीं बचाई। आपको सोचना समझना चाहिए, किसान ये अंधाता है, देश की रीढ़ है, इसको ये आप खत्म करना चाह रहे। और हमारे देश के MP MLO है, उनका तो सारी उम्र तमाम पिलसन वगैरह, एक बार MP बन जाए, MLA बन जाए, पिलसन वेतन भत्ते आते रहे। हमारे जवान की तो इन्हें पिलसन भी हटा दी, सिर्फ GD की छोड़ दी, जो सा देश के ऊपर हर टाइम 24 घंटे मौत के मुँह में बैठा। सरकार को शर्म नहीं आना चाहिए। और मजनू बताओ, मोदी सरकार अपना आज ही आधा किसान 18,000 करोड़ रुपए दान में इसमें डाले खातों में, क्या मैं बताऊंगा? मजदूर भी तो है हमारे देश में जिनके पास जमीन नहीं, आपको सोचना समझना नहीं चाहिए के? अरे एक और सरकार से निवेदन है, माननीय प्रधानमंत्री जी, चाहे तो ये बिल वापिस ले ला, आपसे निवेदन है। और आप नू कहो ना 300 सीट दे रखी इस किसान ने दे रखी आप। और केजरीवाल जी, आपसे एक और निवेदन है जी, आप वहाँ जाओ सिंगू बॉर्डर पे, और वहाँ जाकर वाईफाई और हर चीज़ की सुविधा लगाओ। क्या भाई UP गेट पर किसान नहीं है? केजरीवाल जी, चिल्ला बॉर्डर पर किसान नहीं है? टीकरी बॉर्डर पर किसान नहीं है? पलवल गेट पर नहीं है? और इसी दौर में केजरीवाल जी एक और घोषणा करा है, क्या काम करा है? 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। अरे केजरीवाल जी, उत्तर प्रदेश का किसान है, वो वोट नहीं देगा क्या आपसे? हाँ, कोई सी पार्टी का नेता हो, MP हो, MLA हो, अगर किसान के नाते मेरे बीच में होगा उसका सम्मान करेंगे, अगर वो राजनीति रोटी से करना उसको हम जूतों की माला पहनाओगे। अरे एक और निवेदन है, जितने हमारे देश के युवा है, महिला है, विद्यार्थी है, अगर आप घर पर बैठे सबसे पहले तो इस कानून के बारे में स्टडी करो। आपको अभी कम पता, जब पता चलेगा, जब आपको इसके बारे में स्टडी हो जाएगी, अगर आप यहाँ नहीं आ सकते हमारे आंदोलन में, आप हमारी वीडियो सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, आप घर बैठे एक दूसरे को लाइक करो, शेयर करो। और माताएं बहनों, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे, कोई दिक्कत नहीं हम। अरे बारिश हो रही ना, आप बारिश से का भी जवाब देना, मेरे बड़े क्या करते तो अनबरसन लग रहा धन, ये बारिश इसलिए हो रही, कुछ किसानों के पास साधन नहीं होते, ट्यूबवेल नहीं है, परमपिता परमेश्वर ने पानी दिया उनकी धरती में। और देखो मारे गेहूं बुरे, परमात्मा ने मारे गेहूं में कोर भी आएगी, हमें बहुत अच्छे बधाई है, मालिक भी मेरी सहायता है। ये तो आंधी तूफान तो जीवन में परिस्थिति तो चलती रह रहा है, वो जीवन ही नहीं जिसमें दुख ना आए, दुख सुख हर चीज़ इस जीवन में लगी हुई है। और ये बताऊँ, ये युद्ध हो लिया महाभारत का, वे तो है दुर्योधन कौरव, हम है पांडव, पांडवों ने तो 5 गांव महंगे थे, हम तो 3 ही गांव महंग रहे। अरे BJP वालों, मेरे तो 3 ही गांव में 3 कैंसर के टिक्के वापस ले लो, आपको हाथ जोड़ कर निवेदन है। हाँ, हमारा हरियाणा पंजाब के किसानों को एक बधाई देना चाहूँगा, वे बधाई के पात्र भी है जिन्हें हमारी आवाज़ उठाई। मेरे बड़े क्या क्या करते, बिल्ली के गले में घंटी कौन बंद है, घंटी बंदी पंजाब के हरियाणा में। गुरनाम सिंह चुडूनी का मैं बधाई देना चाहूँगा, 15 FIR दर्ज हो रही। क्या इसमें जो है यूपी के किसान का कोई योगदान नहीं? योगदान है, सबसे पहले उन्हें हमारी आवाज़ उठाई, उन्हें स्टडी करी, क्योंकि पंजाब हरियाणा का किसान सक्सेस है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान वाकई में मानते हम सक्सेस है, उस वो थोड़ा सा पीछे रहा, वो मेरी गलती रही, सरकार की नियत नीति में खोटती, कोरोना वायरस में जानबूझ के ऑर्डिनेंस लाती है सरकार इसलिए लाती है क्योंकि सरकार ने सोचा किसान मजदूर देश का वो नहीं करने का प्रोटेस्ट वगैरह आंदोलन। ये बताओ सरकार, यह अभी सोच लिया, यो किसी जाति समुदाय का वो नहीं आंदोलन, ये पूरे देश के किसान बिरादरी का आंदोलन है। और जो हमारा गुलदस्ता हो ना, गुलदस्ते में अंगूर के फूल भी हो, चमेली के, गुलाब के, हर चीज़ तरह के फूल हो, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध धर्म के भी आ रहे, हर किसान भूख हड़ताल पर बैठा। अन्ना हजारे, माननीय अन्ना हजारे सामाजिक कार्यकर्ता, आपसे एक निवेदन है, आप 2012 में अनशन पर बैठे थे, बहुत अच्छा किया आपने, कांग्रेस सरकार उखाड़ दी। आप ये बता दो इस, आप यहाँ हमारे किसानों के आंदोलन में क्यों नहीं आना चाहते? आप वंशई फरमान जारी करो, पूना के पास आपका गाँव है, आप वंशई अल्टीमेटम दे सरकार को, मैं 31 जनवरी तक सरकार पर जवाब मांगना। अरे अन्ना हजारे जी, इसलिए तो हमें लगता है आप BJP का एजेंट है, या तो आप हमारे बीच में आ जाइए, या हमारा अनशन कीजिए, समर्थन कीजिए, आज का आपका हम सम्मान करेंगे। आप कैसे नेता हो, सामाजिक कार्यकर्ता, यानी कि आप उस टाइम पर कांग्रेस सरकार उखाड़नी थी, उस टाइम पर तो आपने वो कर दिया प्रोटेस्ट वगैरह। आज का है ना जा रहे जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आज यो किसान 62 मौत होली, आप यहाँ अनशन पर क्यों नहीं बैठते, आपका समर्थन करेंगे? और देखो जी, सन्नी देवल वो 2 किलो का हाथ बताओ था,
हाँ जी, 2.5 किलो का हाथ। सन्नी देवल जी, आपसे एक और निवेदन है, आप गुरदासपुर से सांसद हो, आप वहाँ किसानों के बीच में क्यों नहीं जाने पाते? क्योंकि आपको डर लगता है, डर इसलिए लगता है, आप जिस दिन तक सन्नी देवल आज तक सांसद बना ना, आज तक हमने क्षेत्र में नहीं पहुँचा, आंकड़े बताते हैं। और बताऊँ, उसकी माँ हिमा मालिनी वहाँ जावे हेलीकॉप्टर में गेहूँ काटते हैं MP के चुनाव में। हिमा मालिनी किसान ने हेलीकॉप्टर में गेहूँ काटना चाहता है तो खेत में काटना चाहे। और आप क्या काम करो, वोट ले जाओ हम पर, वहाँ मुंबई पड़े। अरे सोच लो। हाँ, केंद्र सरकार, आपसे एक और पूछना चाहूँ, आप इसी टाइम पर सन्नी देवल की आपने भाई सुरक्षा श्रेणी क्यों बढ़ाई, बताइए आप जवाब दीजिए। मैं पूछता हूँ सारे चैनल वालों के, आप हमारी सच की आवाज़ क्यों नहीं दिखाते? एक चैनल का और बधाई देना चाहूँगा, मैं एक चैनल को बधाई देना चाहूँगा, News 24 को, जो हमारी आवाज़ उस दिन तक आज तक दिखा रहा। क्या हम आपकी आवाज़ नहीं दिखा रहे? नहीं, आप तो हमारी देखो सबसे बड़ी आवाज़ तो आप ही हो, जो लोकल मीडिया है YouTube वगैरह, ये आप हमारी आवाज़ दिखा रहे। मैं वहाँ था सिंगू बॉर्डर पर, लोकतंत्र TV है, और एक विना दुबे है मुंबई का, गूगल पर गेर कर देख लिए, वहाँ चैनल ओनर जाता है, उसका चैनल ओनर कर दिया विना दुबे पर, 5 करोड़ का मानहानि का केस लगा दिया। कैसा है सुप्रीम कोर्ट या सरकार तानाशाही दिखा रही, इस किसान की परीक्षा ले रही, सरकार को सोचना समझना चाहिए, हमारे सारे आंकड़े छुपाए जा रहे।